जय जय माणिकेश्वरी जुहार मा जय जय माणिकेश्वरी। सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्माइल भी ठीक है और अभी पीछे की तरफ हूँ और स्माइल अभी उसके मौसी के साथ है, घुमा रही है वो उसे। स्माइल 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 तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो स्माइल ने ड्रेस पे टट्टी कर दिया इसलिए मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ा और यहाँ पे मैं बैठी हूँ काढ़ा पीने के लिए। ये जंगली नीम का काढ़ा है और बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि अमावास वाले दिन ये काढ़ा पीने से बच्चों में चुनने वाली प्रॉब्लम बंद हो जाती है और काढ़ा मेरी भाभी दे के गए हैं पीने के लिए। सो कभी मैंने पहले काढ़ा वगैरह नहीं पिया है तो थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ और फाइनली काढ़ा पीने के बाद बाप रे क्या बताऊँ, मतलब इतना कड़वा लग रहा था और मेरे पापा बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी चीनी खा ले वरना सब कुछ बाहर निकल आएगा। और मैं तो पहले से ही चीनी वीनी पास में लेकर बैठी थी लेकिन मतलब कोशिश कर रही थी कि जैसे भी चीनी ना खाऊं लेकिन मतलब फाइनली मुझे चीनी खाना ही पड़ा। और बाद में सोच रही थी कि क्या फ़ायदा हुआ काढ़ा पीने का अगर आखिर में मुझे चीनी ही खाना था तो, लेकिन मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतना कड़वा। और जाहिर सी बात है नीम का काढ़ा है तो कड़वा ही लगेगा, थोड़ी ना रसगुल्ला है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी मतलब चीनी ना खाने के लिए। और स्माइल की यहाँ पे मालिश हो गई है और पापा के साथ वो मस्ती कर रहा है। सो फाइनली खेलते खेलते स्माइल सो गया है और उसके दोनों साइड में मैं दो पिलो दे दी हूँ। कितना बड़ा भिंडी है देखिए यहाँ पे, अभी हम भिंडी तोड़ रहे हैं यहाँ पे। ऊपर थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन हाथ नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे भी छोटा छोटा भिंडी है, बड़ा बड़ा भिंडी दिख रहा है यहाँ। ये तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ये वाला भिंडी, ये देखिए कितना बड़ा है। और अभी पपीते के पेड़ में भी फूल आने लगे हैं। और यहाँ पे हो रही है रोटी बनाने की तैयारी, पहले से ही बेल के कागज़ के ऊपर रख दी हूँ और सिर्फ सेकना बाकी है। और इसके साथ सब्जी के लिए आलू मटर वो बनकर तैयार हैं और थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था ताकि दोपहर में भी थोड़ा एडजस्ट हो सके। और जो भिंडी लेके आई थी वो मिलाकर, ये माखन की पत्ता है और इसे कुछ लोग मतलब कुछ एरिया में सीताफल के पत्ते भी बोलते हैं। स्माइल अभी उसके मौसी के पास है, अभी नहा के आया जस्ट और उसको काला टीका वगैरह अभी नहीं लगाई हूँ, अभी लगा दूंगी थोड़ा सा सोएगा तो। और छोटे छोटे बच्चे भी उससे मिलने आए थे बहुत सारे। सो मैं फ्लिपकार्ट से लंगोट ऑर्डर की थी स्माइल के लिए तो वो आज डिलीवर हो गया है। टोटल 12 पीस लंगोट है, दिखा देती हूँ आपको। ये बहुत सारे कलर वैरायटी हैं इसमें। कॉटन में है, सॉफ्ट कॉटन इसका फैब्रिक है
और दो पीस कपड़ा है ऐसे, ऊपर एक पीस और नीचे एक पीस करके बनाए हैं। तो आपका बेबी भी अगर स्माइल जैसा उसका हेल्थ है ना, तभी हो जाएगा आराम से। और अगर थोड़ा मतलब गोलू मोलू सा होगा तो नहीं होगा। तीन से जो है 7-8 महीने तक के बेबी को आराम से हो जाएगा ये 12 पीस से। आपको अगर पसंद आ रहा है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। और मैं अभी दिखा दूंगी स्माइल को पहना के कि स्माइल के ऊपर ये कैसा लग रहा है। सो ये है फर्स्ट लंगोट, इसमें रेड कलर का पोल्का डॉट है थोड़ा बड़ा साइज़ का, और ब्लैक कलर का बॉर्डर दिया हुआ है फिनिशिंग के लिए। ये भी सेम डिज़ाइन है लेकिन कलर अलग है। एक्चुअली ऐसा वाला 4 डिज़ाइन आया है, रेड, ब्लैक और एक है ब्लू कलर का और एक है पिंक कलर में। दिखने में भी सुंदर है और सॉफ्ट भी है, लेकिन वाइट कलर बेस दिया हुआ है इसमें, इसलिए थोड़ा मतलब दाग लग जाएगा तो निकालने में जान निकल जाएगी। और मैंने ये लंगोट इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि मैं हमेशा स्माइल को पैंपर्स नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ रात को पहना देती हूँ। दिन में पहनेगा तो रेसल्स हो जाएंगे, इसका डर रहता है, इसलिए सिर्फ रात को पहना देती हूँ। दिन में वो सिर्फ मतलब पैंट पहन के रहता है तो उसमें टट्टी वगैरह करता है, तो खोलने में थोड़ा इधर उधर फैल जाता है। इसलिए मैं उसे लंगोट पहनाऊँगी तो उसमें धागा होगा ना, तो खोलने में बहुत अच्छा होगा, इजी होगा, इसलिए ये लंगोट ऑर्डर की हूँ। और ये ब्लैक कलर का है पोल्का डिज़ाइन, लेकिन इसमें छोटा छोटा डॉट है। और ये है एक स्टार डिज़ाइन में, ऐसे आगे और भी डिज़ाइन है। स्माइल भी बहुत कॉपरेट कर रहा है आज, रुका नहीं जा रहा है उससे, पलटी पे पलटी मार रहा है। लगता है आज स्माइल बहुत खुश है नया नया लंगोट पहन के, सो नहीं रहा है तो मेरे पापा उसे आंगन में घुमा रहे हैं। और अभी बड़े माँ आने वाली होंगी स्माइल के मालिश के लिए। और सो फाइनली स्माइल का मालिश भी हो गया है और स्माइल यहाँ पे लेटा है तैयार होने के लिए। आधा काजल तो मेरे पापा के कंधे पे माथा रगड़ के निकल दिया और आधा मालिश के बाद गीला कपड़ा करके पोछने से चला गया। अब फिर से काला टीका वगैरह लगा कर स्माइल को तैयार कर दूंगी, तो वो मेरे माँ के साथ थोड़ा घूमेगा। पापा की बारी जा चुकी है, अब माँ की बारी। और मौसम अच्छा है इसलिए बाहर आंगन में थोड़ा बैठने से अच्छा लग रहा है। और बाबा मठ में भी हमारा गाना बजता है तो अच्छा लगता है शाम को। रे रे रे। हम दई मास के मासे के जो नु ना धना धरवा धरवा ते लोग के दी बुलबुल है फूल ना मेरे सुंदर गुलदस्ता बने के नी देख चात के मैं यानी दे जिंदा करी। सो स्माइल बिजी है उसके नानी माँ और मौसी के साथ। आज आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।